हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अदिति कुकिंग में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का हलवा। इसमें मैंने आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी चीनी, आधी कटोरी घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके साथ मैंने यहाँ दो हरी इलायची ली है और एक गिलास पानी। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस को स्टार्ट कर दिया है। इस पे एक कढ़ाई रखी हुई है और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें घी डालेंगे। इसे गर्म होने देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे करके रखेंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी को घी में अच्छी तरह से भूनेंगे। हल्का ब्राउन होने तक हम सूजी को भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी में कितने अच्छी तरह से बबल उठने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी भुनकर तैयार हो गई है। इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें पानी छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ इसमें जो हमने आधा कटोरी चीनी रखी थी उसे भी डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को फुल कर लेंगे ताकि हमारी सूजी अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए, हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने कट करके रखे हुए थे। मैंने यहाँ नारियल को चॉप करके डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को यही पसंद है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे डाल सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट्स। तो आप देख सकते हैं कि हलवे ने घी छोड़ दिया है और ये हमारा हलवा बनकर
रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। दिख रहा है ना दानेदार और खिला खिला। आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।